नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित यादव और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम घूमेंगे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और खूबसूरत नेशनल पार्क जो कि कान्हा किसली है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम तला टाइगर रिजॉर्ट में हैं, जो बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है। बहुत लेविश और बहुत महंगा रिजॉर्ट नहीं है, बल्कि एक देसी टच, एकदम सिंपल रिजॉर्ट है जो कि जंगल के पास ही है, तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। और आप देख सकते हैं बेसिक एमिनिटीज़ हैं सारी, और आपको एकदम शांति का माहौल है इधर और अच्छा लगेगा। और ये हम आ चुके हैं अपनी पहली सफारी, जो कि दोपहर 3 बजे से है। जाएंगे हम किसली जोन घूमने अब। हमारे ड्राइवर का काम ये गाइड कहना है कि करना हमारी जिप्सी स्टार्ट हो गई है, क्या बताना चाहेंगे? ये हमारे बहुत गाइड अच्छे हैं, शेर बहुत हमने अच्छे, पहले पिछले ही देख 50 साल से लिए। काम कर रहे हैं इधर पे। माई सेल्फ सोनू अभिलेख मिस्टर अभिषेक राम जे। नेशनल पार्क अगर आप जिप्सी से घूमना चाहेंगे तो 6,500 रुपीज़ का चार्ज लगता है, और अगर 4-5 लोग हो तो वो काफ़ी फिजिबल होता है। अगर आप सिंगल हैं तो बस से भी घूम सकते हैं, जिसका कि चार्ज 1,100 रुपये करीब रहता है। जिप्सी और बस दोनों का ही बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और या तो फिर आप कान्हा आके वहाँ पे गेट के पास काउंटर से भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर ऑन सीज़न है तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, 1-2 घंटे की लाइन लगती है। ज़्यादा सही ये रहेगा कि आप पहले से ही बुक करवा लें ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू, वो इजी रहता है। जब भी सफारी बुकिंग करवाएं तो कोर जोन की ही करवाएं, बफर जोन की नहीं। 4 कोर जोन अवेलेबल हैं, कान्हा, किसली, मुक्की और सराही, जिसमें कि कान्हा और किसली में ज़्यादा टाइगर साइटिंग पाई जाती है। वैसे तो चारों ही कोर जोन अच्छे रहें, आप किसी में भी बुकिंग करवा सकते हैं। ये बाइसन दिख रही है सामने, इसे इंडियन गौर के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी अग्रेसिव होती है, काउ फैमिली से बिलोंग करती है, और जब सामने मेल बाइसन हो तो पास से सफारी नहीं निकलना सही माना जाता है, क्योंकि वो अग्रेसिव होती हैं काफ़ी। बाइसन का जो वेट है वो 600 kg टू 1500 kg तक होता है। अच्छा है, ये फीमेल है। लड़के थे। अच्छा, तो मारे भी जाते होंगे। अच्छा, दोनों की जबरदस्त लड़ाई। टाइगर साइटिंग ठंडी और गर्मी के दोनों में ही मौसम में होती है, पर गर्मी में ज़्यादा होती है क्योंकि सारे जानवर जो है तालाब के पास आते हैं और पानी पीने के लिए, और जंगल में ज़्यादा पत्तियां भी नहीं होती हैं, पतझड़ होता है, तो टाइगर साइटिंग ज़्यादा गर्मी में इजीली हो जाती है। ये नेक्स्ट है हमारी मॉर्निंग सफारी है सुबह 8 बजे की, कान्हा जोन की। देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और लकीली हमें टाइगर साइटिंग भी हो गई। ये देखिए यंग टाइगर है जो कि सिंपल वॉक कर रहा है और कोई शिकार भी नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे से डियर कॉलिंग हुई और डियर बहुत तेज़ भागे यहाँ से, तो जैसे हमें डियर अगर की ध्यान दिया कॉलिंग टाइगर हुई पे। ये देख सकिए वॉक करते हुए जा रहा है, मोबाइल क्वालिटी से वीडियो बना है इसलिए उतना जूम होके नहीं दिख पा रहा है। बच्चे हैं सर, ये पानी गिर गया तो बहुत ही खूबसूरत होकर दिख रहा है। तो गर्मियों में ऐसे जगहों में दिखते हैं फिर टाइगर। हाँ, पानी के पास है। तो वहाँ यहाँ डियर भी आएंगे, सांभर भी आएंगे, यहाँ मंकी भी आएंगे। सफारी के दौरान हमें ब्रेक भी दिया जाता है, जैसे कि मॉर्निंग सफारी थी तो हम अपना ब्रेकफास्ट लेके आए थे, तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। जैसे यहाँ पे कैंटीन है और वॉशरूम अवेलेबल है, तो 15-20 मिनट का टाइम दिया जाता है जनरली, तो यहाँ पे ही हम उतर सकते हैं, क्योंकि जंगल सफारी में हम बीच में रुकना अलाउड होता नहीं है, ना ही हम उतर सकते हैं, तो इसलिए ब्रेक दिया जाता है, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग सफारी। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, और जो भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय।